हेलो स्टूडेंट, एनडीए 2019 हो चुका है। आप लोगों ने अपने स्कोर चेक कर लिए हैं। आप लोगों में से जिसका स्कोर कट ऑफ से ऊपर आ रहा है वो भी, और जिनका स्कोर कट ऑफ से कम आ रहा है उनके लिए भी, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। एक सिवा अगर आपका एनडीए का लास्ट अटेम्प्ट था तो बात अलग है, क्योंकि नेक्स्ट एनडीए की वन की बात किया जाए, क्योंकि यूपीएससी ने अपना एकेडमिक कैलेंडर डिक्लेयर कर दिया है। अब हमारे पास एनडीए वन के लिए बहुत कम टाइम है। ये सेशन इमीडिएटली लेने का क्या पर्पज है समझ लीजिए। जब मैंने कट ऑफ वाला वीडियो आपके साथ शेयर किया था तो आपने जो जो क्वेश्चन पूछे थे वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू, इस सेशन के थ्रू आपके क्लियर करूंगा डाउट्स। और साथ में मैं ये सेशन लेने की क्या जरूरत है समझिए, क्योंकि एनडीए वन के बाद 2019 में एनडीए टू में नवंबर तक का टाइम था, बट अब क्योंकि इस बार एग्जाम नवंबर में हुआ तो एनडीए वन के लिए टाइम बहुत कम है। एनडीए टू 2019 नवंबर का जो एग्जाम था, पहले मैं जरा उसके बारे में आपसे कुछ डिस्कशन कर लूं। इसका जो रिजल्ट है वो आएगा, वो भी आपने पूछा था, इसका रिजल्ट दिसंबर एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा, राइट। और इसका रिजल्ट आने के बाद आपके पास करीब करीब 20 से 30 डेज मिलेंगे आपके पास एसएसबी के लिए। जनवरी एंड से फेब के बीच में एसएसबी होगा, और एसएसबी होने के बाद अगर एक सिवा आप एसएसबी से आउट होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि 100 में से एक बच्चा सिलेक्ट होता है। दूसरी बात यह कि जो बच्चा रुक गया वो डिफेंस के लिए काम का ही नहीं हो सकता। तो आप, मैं बोलता हूं कि आपका स्कोर अच्छा है, आप हो सकता है एसएसबी में भी सिलेक्ट हो, सब कुछ हो, उसके बाद भी आपको रुकना नहीं, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है ये एसएसबी में भी काम आने वाली है। तो एसएसबी फरवरी एंड में होगा, और अगर आपने अपने आप को पूरी तरह, क्योंकि आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे क्या, पहले मैं क्लियर कर दूं कि एसएसबी की प्रिपरेशन होती क्या है, क्योंकि एसएसबी की प्रिपरेशन में क्या करना है और क्या नहीं करना वो चीज बताता है। एसएसबी इज योर लाइफस्टाइल, आपको अपनी लाइफस्टाइल में एक डिसिप्लिन लाना है। आपको अगले वीक, नेक्स्ट टू डेज बाद एसएसबी के भी सेशन मिलेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि एसएसबी के लिए कुछ अलग से नहीं करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एसएसबी के लिए अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को तैयार करना है, पर आपको स्टडी करनी है। आपको अगर आप 300+ स्कोर कर रहे हैं, 300+ स्कोर कर रहे हैं जिसमें मिनिमम मैथ्स में 75 या 150 जीएटी किसी एक में होते हैं, तो 300 के ऊपर होने पे चांसेस बहुत हैं। 320 पर श्योर बोल सकता हूं कि 320 से 330 के बीच में तो श्योरिटी है कि आपका हो ही जाएगा, पर 300 या 290 से 300 के बीच में है, 290 से, क्योंकि हो सकता थोड़ा कम जाए, 320 के बीच में है, तो आप 50-50 वाले हैं। और अगर आप में से किसी के भी एक सिवा मैथ्स में 75 से बिलो है, जैसे कुछ बच्चों ने मुझे फोन भी किया था, अगर मैथ्स में या जीएटी में 150 से बिलो है, तो इस केस में क्योंकि आप 25 मिनिमम परसेंटेज को, क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, इसलिए हो सकता रिजेक्ट हो जाए। तो और आपका स्कोर मैं बोलता हूं 400 भी, यहां पर कई सारे बच्चे ऐसे जिनका 450-480 तक स्कोर है, उनको भी मैंने एक ही बात बोली है, वही आपको बोलूंगा कि रुकना नहीं है। एसएसबी के लिए क्या करना है ये मैंने बताया, और उन्होंने करना भी स्टार्ट कर दिया। आपको अपनी लाइफस्टाइल को सेट करना है, हर दिन अपने आप को तैयार करना है, हर दिन मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर करना है। कुछ बेसिक चीज ध्यान रखनी है जो मैं आपके साथ एसएसबी सेशन में करूंगा, बट अगला एनडीए भी देना है। और अगले एनडीए में मैंने आपको अभी इसलिए बताया कि आप एसएसबी देते देते आपके लिए लगभग फरवरी मिड या फरवरी एंड हो सकता है, और अगर आपने पूरा एसएसबी के भरोसे छोड़ दिया तो आपके पास केवल मार्च मिलेगा। इस बार 19 अप्रैल को पेपर है और टाइम बहुत कम है। ऐसे में अगर आपने एक्शन प्लान नहीं लिया तो आप समझ लीजिए कि आपको लॉस हो सकता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम के बाद भी अगले 2-3-4 अटेम्प्ट तक एनडीए दे सकते हैं, इसलिए इमीडिएटली एक्शन लें, टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए ये सेशन मैं इमीडिएटली ले रहा हूं। अभी तक हर बार सितंबर में एग्जाम होता था, इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 का एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से देखें तो नेक्स्ट ईयर एग्जाम जो है वो 19/4/2020 को है, जिसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली डिक्लेयर होगा 8 जनवरी को, 28 जनवरी लास्ट डेट होगी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2004 के बीच में है, वो इसके लिए एलिजिबल है, वो इसके लिए एलिजिबल है। और एनडीए 2020 सितंबर में होगा, राइट, और इसका नोटिफिकेशन जुलाई में आएगा, 10 जुलाई को 30 जुलाई तक लास्ट डेट होगी, यानी अगला एनडीए का एग्जाम। इसलिए आपको याद हो जब 19 में वन हुआ था तो मैंने बोला था लॉटरी है कि इस बार आपको टाइम मिला है,
अगला अगर हम एग्जाम देखें तो अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त कम टाइम मिलेगा, केवल यहां पर 4 मंथ्स मिलेंगे जैसे अभी मिल रहा है, पर 2 के बाद 2021 के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, पर हम उसकी बात ना करें। तो अभी के हिसाब से हम देखें तो ऑलमोस्ट नवंबर एंड होने वाला है, आप पढ़ाई स्टार्ट करते करते दिसंबर लेंगे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च आपके पास 4 मंथ है, क्योंकि अप्रैल में 19 को अगर एग्जाम है तो आपको मार्च के एंड तक अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। 15 दिन आपको अपने आप को पूरे रिवीजन के लिए देना है, लास्ट के 2 डेज क्विक रिवीजन को देना है, जब जाके आपका एक प्लान कवर हो पाएगा। इसलिए ये सेशन मैंने इमीडिएटली लिया कि आप सब जो कट ऑफ के ऊपर है वो भी और जो कट ऑफ के नीचे भी है अगर एनडीए 1 के लिए एलिजिबल है तो इमीडिएटली एक्शन लें, और कोई भी मिस्टेक जो इस पेपर में की है वो अगले पेपर में ना करें, उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़े। क्योंकि हमारे पास केवल, मैं ये जो शेड्यूल बना रहा हूं वो 120 डेज का बना रहा हूं, 120 डेज में 30 मैथ्स के पूरे टॉपिक्स कवर करने हैं। आप में से हो सकता है कई सारे ऐसे भी हों जो 12th एग्जाम देने वाले होंगे, उनको 12th का भी एग्जाम बीच में देना, उनके पास केवल 100 डेज हैं, राइट? तो ऐसे में अगर आपने अपना फोकस जरा भी हटाया तो आपका नुकसान हो सकता है। तो इन 120 डेज में 30 क्वेश्चन टॉपिक आपको मैथ्स के भी पूरे पूरे करने हैं, इनफैक्ट एक टॉपिक को मुश्किल से इस बार 3 या 4 दिन मिलेंगे। तो आपको एक्शन प्लान में आ जाना चाहिए, और डिफेंस का मतलब ये कि जो आदमी हर समय 24 आवर एक्टिव रह सकता है वही सबसे सूटेबल कैंडिडेट हो सकता है इसके लिए। तो ऐसे में आप ना रुकें बल्कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। इनफैक्ट हम लोग भी इंपिटस गुरुकुल में 2 दिसंबर से क्लासरूम कोर्स और ऑनलाइन कोर्स दोनों स्टार्ट कर देंगे। ऑनलाइन कोर्स में इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन कोर्स में बच्चे लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे, नॉट ओनली फॉर मैथ्स, मैथ्स के साथ जीएटी की भी करेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरल स्टडी, जीएस, इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स की क्लास होंगी 6 डेज इन अ वीक, और संडे को टेस्ट, यानी जो मॉड्यूल जो सिलेबस यहां फॉलो होता है वैसे ही आप लाइव भी अटेंड कर सकते हैं, जिसका हम नेक्स्ट वीक आपको नोटिफिकेशन भी देंगे ऑफिशियली। और ये सब चीजें आपको impetusgurukul.com की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया है वेबसाइट का लिंक www.impetusgurukul.com। तो मैं बात कर रहा हूं आपसे, अब आपने जो जो चीजें पूछी वो सारी बता दूं मैं आपको, कि सबसे पहले कि NDA 2 का रिजल्ट, अच्छा आप में से कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि TES 43 का कट ऑफ क्या जाएगा या कब तक कॉल आएगा, तो TES 43 का बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। कट ऑफ क्या जाएगा ये अभी से हम नहीं बोल सकते, 80% या 80% के ऊपर कितना भी जा सकता है जिनके PCM में इतने परसेंट है, तो वो आप वेट करिए। तो अब आपके पास, अब आपका स्कोर 330 के ऊपर है, 100% सेफ जोन बोल सकते हैं, 300 से 330 के बीच में है, 70-80% 290 के आसपास है, 50-50 चांस है, उससे कम होने पे थोड़े से रियर चांसेस हो सकते हैं, इसलिए आपको नहीं रुकना है। तो ये सेशन का एक ही पर्पस था, मैंने आपको इसलिए ये बताया कि अब आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए, 2-3 दिन का आप और रेस्ट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट वीक से अपनी किताबें वापस फिर से उठाइए, वार्म अप करना चालू करिए। सबसे पहले एक बार फर्स्ट वीक में, मतलब जैसे हम 2 दिसंबर बैच कर रहे हैं चालू, तो उसके पहले मैंने बच्चों को बोला एक वीक, नेक्स्ट वीक में पहले फिर से एक बार 2019 का पेपर 1-2, 2018 का पेपर 1-2 और 2017 का पेपर 1-2 को एक बार फिर अच्छे से स्कैन करो और समझो कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम एनडीए देने वाले, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो अप्रैल में फर्स्ट टाइम देते हैं, उन लोगों को भी इन पेपर्स की अच्छे से थोरो स्टडी करनी है। दूसरा, इस पेपर में आपने स्कोर भले ही 400 किया हो, भले 350 किया हो, भले 250 किया हो, आपको यह भी असेस करना है अपने आप को कि आपसे कहां कहां मिस्टेक्स हुई हैं, किस एरिया में आप वीक परफॉर्म कर रहे थे और किस एरिया में स्ट्रांग थे, मैथ्स में किस टॉपिक में आप कंफर्टेबल जोन में थे, किस टॉपिक में वीक में थे। दूसरी बात, मैं आप सभी बच्चों को एक बात बोलना चाहूंगा कि याद रखिए, जब तक आप कंसेप्चुअल पढ़ाई नहीं करेंगे आपके लिए ट्रिक्स बेकार है। इसलिए कई सारे बच्चों ने जब मुझे अभी पेपर होने के बाद बोला कि सर हमने बहुत सारी ट्रिक्स सीखी थी पर काम नहीं आई, वो इसलिए नहीं आई क्योंकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा। ट्रिक्स का मतलब जब भी होता है, मैं हमेशा यहां पर भी बोलता हूं कि पहले कंसेप्ट बनाओ, लॉजिक बनाओ, फिर ट्रिक्स लगाओगे तो आपको पता होगा कहां मिस्टेक हो रही कहां नहीं हो रही। पेपर बहुत अच्छा था, मैं इस पेपर को आपके साथ एक बार और शेयर करूंगा और मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा कि अगर आपने इसको ट्रिक से किया तो क्या मिस्टेक होती है, ट्रिक से नहीं किया तो क्या मिस्टेक होती है। तो मिस्टेक क्यों होती है, क्योंकि हम कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं होते। तो इसलिए आप ट्रिक्स के लाफड़े में ना पड़े, ट्रिक्स के झमेले में ना पड़े,
कंसेप्ट के ढंग से सोचे, कोई भी चीज को जब तक कंसेप्ट बना के नहीं पढ़ेंगे उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिल सकते। तो मैं आप सबको एक बात बहुत क्लियर बोलना चाहूंगा कि बहुत कंसेप्चुअल नॉलेजेबल पढ़ाई करिए। देखिए जब नॉलेज के साथ पढ़ाई करते हैं और नॉलेज के लिए पढ़ाई करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। मैं हमेशा यहां पर भी आने वाले बच्चों को बोलता हूं रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करना है, नॉलेज ओरिएंटेड करना है। नॉलेज ओरिएंटेड करोगे तो रिजल्ट भी आएगा, नॉलेज भी बढ़ेगी, और ये नॉलेज आपको एसएसबी में काम आने वाली। रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ा तो आप बहुत ही लिमिटेड पढ़ोगे या इधर उधर से करने की कोशिश करोगे, ट्रिक लगाने की कोशिश करोगे, उससे ना तो लॉजिक आता है और फिर एग्जाम में फिर हमसे मिस्टेक्स होती। जब आपकी मिस्टेक्स इसलिए होती कि हम कई बार 20-20 गलत करके निकलते हैं पीसीएस, क्योंकि हमारे कंसेप्ट वीक होते हैं और हम कोई भी ट्रिक्स किसी भी क्वेश्चन में लगाते हैं, इनसे बचना है। तो अगर आपने इनमें से कोई भी मिस्टेक जो मैं आपको बोल रहा हूं की है तो इमीडिएटली एक्शन ले। जरूरी ये नहीं कि आप इम्पीटस गुरुकुल की क्लास पढ़ें या लाइव क्लास अटेंड करें, जरूरी है कि किसी एक को भी फॉलो करें, पर एक तो किसी एक को फॉलो करें, डिस्टर्ब ना हो, डाइवर्ट ना हो। कई बार ये भी होता है कि हम कई सारे लोगों को या कई सारे टीचर को फॉलो कर रहे होते हैं, ऐसे में मिसगाइड या कंफ्यूज बने रहते हैं कि किसको फॉलो करें, किसका क्या समझे, और थोड़ा थोड़ा ना पढ़े। अधूरा नॉलेज जो होता है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या इनकम्प्लीट नॉलेज, वो ज्यादा डेंजरस होती है। या तो नॉलेज ना हो या कंप्लीट हो, बीच की नॉलेज ना हो, तो वो एक चीज से आपको बचना है। क्योंकि मैं जो चीजें ऑब्जर्व करता हूं, जो बच्चे नए नए जुड़ते हैं पेपर होने के बाद से लेके अब तक, मैंने कई सारे बच्चों से बात की जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो नए बच्चों ने फोन किया एनालिसिस के बाद, पेपर देखने के बाद, तो मैं जो चीजें उन्होंने मुझे बताई वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इवन हो सकता आप ये अगर सेशन सुन रहे हैं तो आपने भी मुझे अगर फोन पे बोला है तो मैं आप ये बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो होता ये है कि कई बार हम अधूरी चीजें पढ़ते हैं, या हम इस क्वेश्चन को इस ट्रिक से कर लेते हैं, इंट्रीगल के इसको इससे करेंगे, बाइनोमियल को इससे करेंगे। अब ऐसे में क्या होता है, जब क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनेशन हॉल में हमारे ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होता है, उस प्रेशर में हम कई बार वो ट्रिक्स भूल जाते हैं या कहीं गलत क्वेश्चन में लगा देते हैं। इसलिए अभी वक्त रहते हुए आप एक्शन प्लान लीजिए, टाइमली पढ़ाई करिए। 4 मंथ है, पर केवल जो एनडीए 1 दे रहे हैं, उन पहली बार एनडीए 1 दे रहे हैं उनके लिए हो सकता है 4 मंथ हो, पर उनके लिए भी 4 मंथ नहीं है। जो एनडीए दे चुके हैं उनके लिए 4 मंथ नहीं है, 4 मंथ उनके लिए एक अपने आप को दोबारा तैयार करने के लिए टाइम है। क्योंकि आपने अभी अभी एनडीए दिए, पढ़ाई तो की थी, पर उस पढ़ाई में जहां कमी रह गई है उस कमी को दूर करना है। जब उस कमी को दूर करके आप अगली बार पेपर देंगे तो आपसे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहता हूं, मैं जब भी कोई सेशन लेता हूं तो मेरा कभी भी अप्रोच या कभी भी थॉट ये नहीं रहता कि आप कहां पढ़ते हैं। मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज ये होता है कि आप जहां भी पढ़े बस आप ये देखें कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे आपकी नॉलेज बढ़ रही है कि नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं, आपकी स्टेप्स कम हो पा रहे हैं कि नहीं, आप प्रॉपरली सिलेबस को कवर कर पा रहे हैं कि नहीं, बहुत ज्यादा ट्रिक्स या बहुत ज्यादा शॉर्ट में तो नहीं पढ़ रहे। ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इस सेशन का पर्पस था। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान दीजिए जिससे कि आप अगले पेपर में ना मिस्टेक करें। तो एनडीए देने वाले बच्चे नाल मिले, अब जैसे जो 12th अपेयरिंग बच्चा होगा और फर्स्ट टाइम देगा, वो भी एक्चुअल में पेपर फर्स्ट टाइम देगा, कहने को 4 महीने, पर उसने 11th में भी पूरा पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, यानी उसके पास टाइम है। तो ये एक चीज को समझना है कि हमारे पास अगले 4 मंथ जो है उसको हम अपना बहुत अच्छा कैसे बनाए। तो इसमें मैं एक ही चीज बोलूंगा कि बहुत रियलिस्टिक होके ईमानदारी से पेपर को असेसमेंट करो, स्कोर क्या हो रहा है उसको असेस करो, और उस स्कोर को असेसमेंट करने के बाद फिर अगर आपका स्कोर 330, 320, 340, मैंने आपको देखा होगा, मैं जब से ये आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं बिल्कुल उसी के आसपास जा रहा है, और ये आप सब बच्चों ने मुझे जब बोला तो मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ वही जाएगा। पर अगर आप उससे बिलो हैं तो भी तैयारी करनी है, उससे अबव है तो भी तैयारी करनी है, रुकना नहीं है। ये तैयारी का फायदा ये होगा कि जब आप एसएसबी देने जाएंगे तो आप, क्योंकि एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार मैथ्स पूरी पढ़ते हैं, फिर से जीएस पढ़ने लगते हैं, करंट अफेयर से जुड़ जाते हैं। अब जब एसएसबी देंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और नॉर्मली आपसे करंट अफेयर्स को लेकर तो हमेशा ही पूछा जाता है। अब क्योंकि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीएस फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और ये जो पढ़ना दोबारा स्टार्ट करते हैं जीएस, वो आपको काम आती। तो कई लोग बोलते हैं कि सर हम तो केवल एसएसबी की तैयारी करेंगे, तो मैं हमेशा ये पूछता हूं कि एसएसबी की इंडिविजुअल तैयारी होती क्या है? कोई इंडिविजुअल तैयारी नहीं होती। फिजिकल एसएसबी वैसे तो वैसे भी फिजिकल टेस्ट नहीं होता, फिजिकल बहुत बेसिक लेवल पे होता है, पर फिर भी मैं आप सबको बोलूंगा कि फिजिकली आपको अपने आप को फिट रखना चाहिए। उसके लिए आपको रोज
3-4 किलोमीटर की रनिंग, पुशअप, सिटअप, पुलअप ये सब करना चाहिए, फिजिकल वर्कआउट रोज करना चाहिए, चाहे आप एसएसबी के लिए एलिजिबल हो या ना हो, ये तो वैसे भी पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। जब ये पार्ट ऑफ लाइफ होगा तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज पे रिफ्लेक्ट करेगा। कोई एक गेम से जुड़े, ये भी आपकी बॉडी को बहुत फ्लेक्सिबल बनाएगा। ये छोटी छोटी चीजें याद रखिए और बिल्कुल सही तरीके से सोचिए कि अगर आप अपने आप को एनडीए के लिए फिर से तैयार कर रहे हैं तो आप सारे सब्जेक्ट से फिर जुड़ते हैं और ये चीज आपको एसएसबी में जाके काम आती। आप केवल एसएसबी के भरोसे बैठ गए और अगर किसी कारण से नहीं हुआ तो आपके पास बहुत कम टाइम होगा, ऐसे में आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। और इनफैक्ट एनडीए 2 में भी अगली बार का टाइम कम है, तो नेक्स्ट ईयर एनडीए 2 के बाद अगले साल जो एनडीए 1 होगा 2021 में, उसके लिए मैं बोल सकता हूं टाइम मिलेगा, पर अभी टाइमिंग कम है। तो ऐसे में इमीडिएटली एक्शन लें, जहां पर भी आपको पढ़ना है वहां पे पढ़ना चालू करें, सेल्फ स्टडी करना है सेल्फ स्टडी करना चालू करें, पर रुके ना, कंफ्यूज ना। और अगर आपके स्कोर कम आ रहे हैं तो उस बात का भी प्रेशर ना लेते हुए, बल्कि ये सोचें कि नंबर कम क्यों आए। अगर ये असेसमेंट कर लिया तो समझ लीजिए कि अगले पेपर में आपके नंबर कोई कम नहीं आएंगे, आपके इतने नंबर आएंगे जो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि सही असेसमेंट, ईमानदारी से की गई मेहनत का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप चलिए, आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सर 290 पे क्या चांस है, 280 पे क्या चांस है, 245 पे क्या चांस है, 330 पे क्या चांस है, 360 पे क्या चांस है। मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं कि मिनिमम मैथ्स में 75, जीएटी में 150 होना चाहिए। इसके अलावा इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट या दोनों में ओवरऑल स्कोर मिला के 320 से ऊपर होगा तो बहुत ज्यादा सेफ चांस है, 350 पे 100% चांस है, 330 पे इनफैक्ट मैं बोल सकता हूं, और 290 से 300 के बीच, 320 के बीच में प्रोबेबल चांस है, डिपेंड ऑन कट ऑफ, एक्चुअल कट ऑफ। और रिजल्ट पूछा था तो फिर एक बार बोलूंगा, रिजल्ट दिसंबर एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक में आएगा, एसएसबी इसकी जो होगी वो जनवरी एंड और फेब में होगी, और अगला एनडीए का एग्जाम अप्रैल 19 को होगा, डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2004 के बीच में आपकी होना चाहिए, ये डेट भी इंक्लूड होती है। यानी लॉजिकली देखें तो 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में आप हैं, एक सेवा आपके एनडीए का अटेम्प्ट कम हो गए और स्कोर कट ऑफ से कम जा रहा है, तो गो फॉर सीडीएस, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन अभी भी है, क्योंकि अगर आपने सोचा है डिफेंस में जाना है तो कोई आपको रोक नहीं सकता, सिवा आप अपने आप को खुद को रोक लें तो। और डिफेंस में जाने वाला बच्चा खुद अपने आप को अगर ये बात मान के चलता जाना है तो रुकना नहीं है, रुक गए तो फिर डिफेंस के लिए नहीं बने, ये बात दिमाग में रखो। तो बस यही बोलना चाहूंगा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हम आपको मेरे रेगुलर सेशन मिलते रहेंगे एसएसबी के भी और साथ में एनडीए 1 2020 को टारगेट करते हुए भी। वंस अगेन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।